गुजारिश करूंगा गुरु फार्मा से कि वो आए और नेशनल जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन हर हर मोमेंट के कुछ एम होते हैं कुछ विजन होते हैं और जिसको आगे लेके वैसे तो हमारे घर में बहुत खुशी से सब कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए लेकिन थोड़ा सा इसको मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगी इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट के विजन से स्टार्ट करें इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट का एम बुनियादी मकसद ये है कि तबकाती निज़ाम जो है वो तमाम दुनिया के अंदर से खत्म किया जाए और किसी भी किस्म का सामाजिक सियासी और मुआशी इस्तेसाल से वो निज़ाम पाक आगे चलते हैं तो रंग नस्ल और मजहब की किसी भी किस्म की कौमियत की इन सब चीज़ों की तफरीक ना हो फिर हम इसके इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट के मिशन की बात करते हैं इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट का मिशन जो मेन इसका मिशन है और जो एम है हम लोगों का वो ये है कि तमाम मेम्बर्स पर उनकी तालीम और तरबियत करते हुए उन्हें मुनज़्ज़म किया जाए और अदब के जितने भी कायदाना सलाहियतें हैं उनको जागर किया जाए ताकि हम लोग माशरे के अंदर छोटे तबके हैं जिसके अंदर मेहनत कर सकते हैं मजदूर और महरूम तबके आते हैं वो सब जो है उनको मुतहद किया जाए और यहाँ पे जागीर सराना सरमाया सराना निज़ाम जो है वो यहाँ से ख़त्म किया जाए इसका मकसद है जिस तरह की मैंने फिर बताया कि आपको कि फनून लतीफ़ा अदब और इस तरह की दीगर जो है हम लोगों की सलाहियत है उनको उजागर किया जाए हम लोगों की यानी कि यूथ की हम लोगों की जितनी भी हम लोगों की सलाहियत है उन्हें उजागर किया जाए और उनके अंदर जो हम लोग आप जैसे मुझे से और काफ़ी हम लोगों जैसे यंगस्टर हैं वो उस तब्दीली के मुहरिक बन सके और यहाँ से पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से हम लोग कसम करते हैं एक गैर तबकाती और इस्तेसाली निज़ाम आगे चलते हैं इसका उनसे भी नज़र है मीडिया मीडिया उसके अंदर जो है हम लोग हर चीज़ कवर कर सकते हैं अदब भी है आर्ट भी है खबरें तो नशरियात हैं हम लोगों ने इसका मकसद ये है कि इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट के मेम्बर को और तमाम फॉर्म हम इसके हर तरह के इतलाफ और हालात के साथ आगाह किया जाए बताया जाए कि जो हम लोगों के मकासद हैं उनसे ताल्लुक रखने वाली कितनी चीज़ें जो दुनिया के अंदर तमाम दुनिया के अंदर जो भी सोशल मूवमेंट्स हैं और जितने भी हम लोगों के हम प्यार और लाइक माइंडेड लोग हैं वो लोग जा कर दें और फिर इसको अपनी जो हमारी तंजीम है उसको मौसीकी अदब और दीगर इस तरह की सरगर्मियों के जरिए उसका मिशन जो है वो आगे बढ़ाया जाए आगे चलते हैं फिर यकी शोभा तकलीफी शोभा ये और रिसर्च डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं मौसम में इसके साल के बाप और वजूहत क्या है उनके बारे में तहकीक की जाए और फिर उनके बारे में हल उनका तलाश किया जाए कि इसको किस तरह से हल करेंगे जनरल सेक्रेटरी हैं उनको भी हम कहते हैं इसके साथ ही मैं गुजारिश करूंगा
हीरा इजाज से जो इंटरनेशनल इंडियन वर्कर्स मूवमेंट की बहुत बड़ी जो मेंबर हैं कि वो आए और जो एक्टिविटी हमने तेरा सर्विस को की है उसके हवाले से ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। हीरा इजाज वही वाला नहीं ठीक है और करीब कर दें। Assalamualaikum everyone, thank you for joining us at auspicious event. जैसे कि आप सबको मालूम है कि नेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट ने एक बहुत बड़ा इवेंट मनाया था जो कि जवाहर अहमद का कॉन्सर्ट था। इस इवेंट का बुनियादी मकसद नौजवानों और मेहनत कशों को इकट्ठा करना और उनका तंजीम का पैगाम पहुंचाना था जो कि बराबरी है और मोटिवेट करना उन्हें कि वो भी हमारे साथ इस कॉज में मिलकर हमारा साथ दें और इस सोसाइटी में मस्बत चेंज लेकर आए। हमारा ये प्रोग्राम उन तमाम वॉलंटियर्स के बगैर मुमकिन नहीं था जिन्होंने इस प्रोग्राम के इनका के लिए अपनी तमाम लाते हुए अंतर मेहनत की और आज हमने उन्हीं वॉलंटियर्स के लिए इस तकरीब का एहतमाम किया है ताकि उनकी खिदमत को सराहा जाए। जिम्मेदारियाँ दी गई किसी को किसी को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई किसी को स्टेज मैनेजमेंट के प्राइस हो गए किसी को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई और इन तमाम वॉलंटियर्स से बखूबी अपने काम सर अंजाम दिए। और फिर दौरान इवेंट ऐसा आला डिसिप्लिन मेंटेन किया क्योंकि बगैर डिसिप्लिन मेंटेन करना हमारे लिए इम्पॉसिबल था। इन तमाम वॉलंटियर्स का दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे साथ की और ना कि हमारे साथ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से मोबिलाइजेशन की बल्कि पास डिस्ट्रीब्यूशन बैनर्स और पोस्टर्स की पोस्टर चलाने में भी हमारा भरपूर साथ दिया। मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले 5000 अफराद ने इस मार्चे में शिरकत की जिनमें लाहौर के अलावा आयो जबी एम मैदान जिले और दीगर शहर फॉर एग्जाम्पल साहिबाल मुल्तान गुजरावाला सियालकोट जैसे शहर भी हमारे कॉन्सर्ट के बस पकड़ कर हमारा कॉन्सर्ट जवाब मतलब देखने के लिए उसके बाद जवाब अहमद जो कि मालूम दिलबार अहमद ने अपने गीतों के जरिए हमारे इस इवेंट को चार चांद लगा दिए और लोगों को इस इवेंट के मकसद से आगाह किया। मैं एक मरतबा दोबारा से तमाम वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे साथ मिलकर हमारे साथ भरपूर साथ दिया और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी वो हमारे इसी तरह साथ देते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूँगा सना शाहिद से जो आए और इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट का जो इक्वलिटी का सना शाहिद जैसा कि मैंने बताया कि 3 फरवरी को कॉन्सर्ट मनाने कराने का मेन मकसद ये था कि यूथ वर्किंग क्लास को मोबिलाइज करें और उनको अपनी तंजीम के नजरियात के बारे में बताएं जो कि इक्वेलिटी और वर्किंग क्लास इक्वेलिटी और क्लास की सेटिंग का प्रयाम है और हमारा ये मानना है कि इक्वेलिटी तब तक अचीव नहीं की जा सकती जब तक वर्किंग क्लास का आइना हो क्लास में सही आजकल सोसाइटी होने वाली तमाम सर्वेक्षण का जायजा लें तो हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी एजेंसी बहुत सी एन जी ओ बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि हमें सोशल प्रॉब्लम्स को हल करने का दावा तो करती है पर इसकी जड़ तक आज तक नहीं जानती भी है तो भी वो इसको खत्म करना ही नहीं चाहती जुल्म इंतजार और तकाती मर्यादा बरसाएं इस समय दराना निजाम को करना ही नहीं चाहती
ये तमाम लोग कॉलेज में उठा कर उनके रोशन दीन के नाम पर हमें अपना फॉलोअर बनाते हैं और यहाँ तक वो खुद हमें मजहब जात रंग बराजी में बैठे उनके खुद हमें नहीं समझते। इनका मतलब ये है कि ये खुदा का निशान है और इस पर का कोई मतलब नहीं और ये इस पर हमेशा काम रहेगा और ये पर हमेशा काम रहेगा। दरअसल ये सब हम उसको जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं। हम एक ऐसे निजाम चाहते हैं हमें सबसे भी नहीं करते और हम ये मानते हैं कि तमाम निजाम और इनइक्वालिटी असल में हम इंसानों की बात करता है और हम ये भी हमारा ही फर्ज है कि हम जुर्म और इनइक्वालिटी और इंतजार के बटाने पर क्या इस निजाम की मदद करें और मिलकर एक ऐसा निजाम बनाए जो कि इक्वालिटी से दूर हो। हम एक ऐसे निजाम चाहते हैं जहाँ हर इंसान को बराबर साथ मिले क्योंकि देखिए जब ये जमीन खराब है उस पर हर इंसान का उतना ही हक है जितना किसी और का। हम एक ऐसा निजाम चाहते हैं जहाँ हर इंसान को सिर्फ तालीम रोजगार ताकि सिर्फ एक्सेस मिला हो बल्कि मुकम्मल की दस्तरस हासिल हो। इंटरनेशनल यूथ वर्कर्स मूवमेंट इसी वजह से उन्होंने आई ताकि वो यूथ वर्किंग क्लास जो गलत समझती है यूनाइट हो और मिलकर एक ऐसा गैरकारी समाज की जदोजहद में आपको आगे बढ़ाते हैं इक्वालिटी और क्लासिक सोसाइटी की बुनियाद पर। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और मैं गुजारिश करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के दोस्तों से कि वो स्टेज पे आ जाएं। उस्मान जिन दोस्तों के नाम दिए जा रहे हैं वो लिंक आ रहे हैं और डॉक्टर शहनाज खान से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए और सर्टिफिकेट जीशान, उमर, असल अली, बारी, सैयद फराज नगर, जैनब भट्ट, हसन, एम आसिफ रफीक करना चाहूंगी। आपकी शिक्षा के बगैर
चेंज नहीं लेके आ सकते, चाहे मेरे पास कितना ही पैसा हो, मैं कितनी ही मेहनत करूँ, मैं कितना ही मुझे टाइम लगाऊ, आप चेंज नहीं लेके आ सकते। चेंज सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब आप उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट करें, जब आप उसको मिलके काम करें, उसके लिए तभी मुमकिन है। इसीलिए आपका इंटरनेशनल यूथ और वर्कर्स मूवमेंट में शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम चेंज लेके आ सकते हैं। अकेले अकेले कोई चेंज नहीं लेके आ सकता। बहुत शुक्रिया।